गाइस अभी हमारे साथ में सीन क्या हुआ है, घर जा रहे थे और अटक गए भाई, इतना पानी भरा हुआ है लिटरली। मैंने अभी गाड़ी की ना पूरा लॉक वॉक सब कुछ मैंने बंद कर दिया क्योंकि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो निकालते हैं हमें शांति वन की तरफ है भाई। ये सीधा गीता कॉलोनी फ्लाईओवर जा रहा है, देखो क्या हाल चल रहा है भाई, कितना कितना पानी भरा हुआ, देखो पूरा नीचे फुटरेस तक पानी आ रहा है। भाई कैसे लेके जा रही है भाता हुआ, वो पागल हो गया, ओए मर जाऊंगा ओए। ओ यार मेरे पैर में, मेरे जूते बचा रहा था, मैंने कहा निकाल दूंगा मैं, अचानक से गाड़ी ने धोखा दे दिया, बंद हो गई। देखो वहाँ तो कम है मगर यहाँ देखो कितना ज्यादा है, ये पानी के प्रेशर से मेरी गाड़ी आगे बढ़ रही है हल्के हल्के। देखो यार कितना खतरनाक वाला बहाव चल रहा है, वो यहाँ थोड़ा सा कम हुआ है ना, यहाँ थोड़ा सा कम हुआ है पानी, कैसा बहाव जा रहा है यार, देख तो लो उधर, देखो उधर जा रहा है सारा। देखते हैं गाड़ी स्टार्ट करके, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, चलो आगे देखते हैं चल के, पहले गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, देखो बंद कर देता हूँ मैं लोग को भी ऐसे ही। आज तो बुरा फंस गया भाई आगे नहीं बढ़ रही गाड़ी, ये तो बहुत बुरा सीन हो गया यार, आगे नहीं बढ़ रही गाड़ी तेरी, प्रेशर पड़ रहा है ना पानी का और बहाव है सीधा राइट साइड में, आगे भी बहुत तेज़ है यार, किस तरह से आ जाएगा। देखें गाड़ी स्टार्ट करके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, भाई स्टार्ट हो जानी चाहिए गाड़ी, अब नहीं हो रही, देखो आवाज़ आ रहा, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, क्या सीन हो गया। मेरा तो खुद आधा बुरखा कैसे पानी निकल रहा है भाई, देखो पूरा अंदर तक पानी घुस गया, तो गाड़ी स्टार्ट कहाँ से हो जाएगी यार फिर, है ना, कैसे पानी गिर रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये पेट्रोल नहीं पानी है, और पानी यहाँ भी घुसा है वैसे साइलेंसर में इसके, चलो उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ियाँ भी बंद कर देता हूँ, पहले पानी निकलने देते हैं सही। भाई क्या सीन हुआ है यार, देख तो लो कसम खुदा की, सैलाब आ रहा है सैलाब, सोचा नहीं था कि ऐसा होगा भाई, बहुत डिफ़िकल्ट हो गया, बहुत डिफ़िकल्ट, देखो गाड़ियाँ कैसे रेंगती हुई जा रही हैं, देख रहे हो, मतलब ये तो कुछ भी नहीं है यार, उस साइड से जहाँ से हम आ रहे हैं वो तो बहुत ही बुरा हाल है पूरा, देख रहे हो पुलिस भी क्या करेगी यहाँ पर खड़ी होकर भाई, बहुत ही ज़्यादा डेंजर कंडीशन है, देखो विक्रम पे कैसे धक्का मार रहे हैं, अब तो गीले होएगा यार, भाई साहब ये तो बहुत बुरी कंडीशन हो गई, और ये सीधा फ्लाईओवर जा रहा है, फ्लाईओवर पर आई थिंक उतरने के बाद है ना, वहाँ पर भी यही हाल होगा भाई, ये तो अभी चढ़ने में ये कंडीशन है, देखो यार कसम खुदा की बड़ा बुरा फंस है भाई साहब, क्या करें, पहले पानी निकलने देते हैं, निकला पानी, अबे कितना पानी भर गया था यार, कसम खुदा की निकल रहा है पानी कंटिन्यूसली भाई, यार ये क्या सीन हो गया आज, देखो बेचारे कैसे धक्का लगा के जा रहे हैं, अंधेरे का टाइम हो रहा है, अब इसमें हमें करना ये होगा थोड़ी देर का इंतजार करना होगा 5 से 10 मिनट का, फिर उसके बाद से गाड़ी हमारी देखने स्टार्ट होती है या नहीं, अगर इनकेस नहीं होती तो फिर मुझे दूसरी गाड़ी मंगवानी पड़ेगी, अपनी गाड़ी यही छोड़ के फिर मुझे घर जाना पड़ेगा, मगर भाई घर जाने में बड़ी समस्या है यार, गीता कॉलोनी पे मैंने सोचा चलो फ्लाईओवर तो खुला होगा मगर निकल जाएंगे जैसे कैसे करके, अब ऐसा क्या पता था कि भाई इस तरह से सीन हो जाएगा हमारे साथ में उल्टा ही, देखो यहाँ पर कैसे झरने पे नहा रहा है भाई साहब, ज़रूरत ही नहीं है मसूरी मनाली जाने की, यहीं टेंशन फ्री इन्जॉय करो, और यहाँ जबकि पुलिस कंट्रोल रूम की गाड़ी खड़ी है, वहाँ पर सारी टूर एंड ट्रैवल की बसेज आ रही हैं भाई, मगर कोई क्या ही कर सकता है, खतरनाक वाला बहाव चल रहा है भाई, देखो चल के देखें आगे, गीले तो होएगा यार जूते वूते सब कुछ, भाई बहुत तेज़ बहाव है यार कसम से, सीधा यमुना पुल से आ रहा, देखो इस साइड देखो सीधा यमुना पुल से बहुत तेज़ बहाव जा रहा, जब मैं वहाँ से गाड़ी क्रॉस कर रहा था ना अपनी, तो मेरी गाड़ी उधर की ओर धक्का मार रही था पानी है, अब सोच सकते हो कितना तेज़ वाला बहाव है, मतलब ना लिटरली देखो यहीं पर ही कुल्लू मनाली मसूरी शिमला सब यहीं बन रहा है भाई, फुल झरनों में, ओ भाई साहब आगे नहीं बढ़ पा रहा, ये देखो खतरनाक वाला बहाव, क्या बात है भाई साहब, ट्रॉली लगाई हुई है, वो पानी और तेज़ हो गया और तेज़, मैं तो पीछे हो रहा हूँ भाई, देखो गया पकड़ लो इसे, पकड़ के खींचो अपनी तरफ, वहाँ खींचो पीछे खींचो उधर, ओह भाई इतनी भारी ट्रॉली यार, जिसको कोई उठा भी नहीं सकता, वो ट्रॉली जा रही है, देखो यहाँ लगी हुई थी यहाँ से निकल के चली गई, और देखो कैसे पानी निकल रहा है यार, कसम खुदा की, अबे यार ये क्या सीन हो गया,
बड़ा खतरनाक वाला सीन हुआ है। हर एक के कैमरा निकले हुए हैं भाई, हर कोई परेशान है, हर कोई इस रूट पर से। चलो बड़ी बड़ी गाड़ियां जा रही हैं, मगर जितनी टू व्हीलर्स हैं ना वो सब फंस रही हैं सारी। देखो जैसे वो धक्का मार मार के खींच खींच के ले लेके आ रहे हैं। देखो यहाँ से देखते हैं, ये सारा रूट है, देख रहे हो ये पूरा रूट है, कश्मीरी गेट, पुरानी दिल्ली की ओर जाने वाला रास्ता। और देखो यार क्या हाल हुआ पड़ा हुआ, कसम खुदा की। वहाँ देखते हैं, अभी हमारे इंजन में से पानी निकलना बंद हो गया, गाड़ी स्टार्ट करके देखेंगे होती या नहीं होती। और ये देखो पूरा काल पड़ा हुआ है कसम से। यहाँ पर पुलिस वाले भी बैठे हुए थे, वो भी भग लिए भाई, इतना बुरा हाल हुआ है। देखो बेचारे पुलिस वाले लगातार लगे पड़े हैं पब्लिक को रोकने के लिए, किसी भी तरीके से कंट्रोल पाने के लिए। ये पूरी फोर्स लगी हुई है देखो यहाँ पर भाई साहब, बहुत ही बुरा हाल है। चलो गाड़ी स्टार्ट करके देखते हैं, देखें स्टार्ट करके गाड़ी, गाड़ी मार के देखते। सलमान पानी निकल रहा है उसमें से, अब भी निकल रहा है, अब भी निकल रहा है ना ये रहा। ऐसा कितना पानी भर गया यार, तो बहाव तेज था ना उधर की तरफ, देखो निकल नहीं रहा है थोड़ा बहुत। यार सीन हुआ यार, कितने आराम से गिरो, नहीं हो रहे पानी बढ़ता जा रहा है यहाँ पर, बहुत बढ़ रहा है यार, तेज में यहाँ ना आ जाए। देखो बहुत तेजी से है पानी, निकल रहा है पानी। भाई साहब बसेस देखो किस तरह से डूब रही है, देखो इतना संभाल के बस ड्राइवर गाड़ी निकाल रहा है। देखो बेचारे बार बार समझा रहे हैं कि यहाँ पर ज़्यादा खड़े मत हो, क्योंकि यहाँ पर खतरे से खाली नहीं है। बराबर बेचारी फोर्स लगी पड़ी हुई, ये भी लगे पड़े हुए हैं, साथ में पुलिस वाले भी लगे हुए हैं, मगर वो ये क्या कर सकते हैं इस पानी का। तो गाइस मेरे को अप्रोक्स आधा घंटा हो चुका है यहाँ पर फंसे, गाड़ी स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही। फिर मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया है, उसका गाड़ी मैं लेके जाऊंगा और मेरी गाड़ी वो ले जाएंगे। मैं पहले मुस्कान एंड मायशा को घर छोड़ दूंगा, फिर उसके बाद से देखते हैं अभी क्या करना है, क्योंकि बहुत कंडीशन खराब हो चुकी है, गाड़ी बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रही भाई। यहाँ पर जितने भी सब निकल के जा रहे हैं ना, सबकी गाड़ियाँ बंद हो रही हैं, सबकी स्कूटियाँ बंद हो रही हैं। देखो कैसे धक्का मार मार के लेकर आ रहा है, वहाँ पर तीन चार गाड़ियाँ सब धक्का मार मार के लेकर आए, और ये बसेस तो आराम से निकल पा रही हैं, वो देखो कैसे धक्का मार रहे हैं सारे, धक्का मार मार के निकल रहे हैं। इसके अलावा भाई क्रेनें लगातार पूरा कार्य पर लगी हुई हैं, पानी का बहाव देखो यार और बढ़ता जा रहा है, पानी का बहाव इतना खतरनाक है। देखो वहाँ से बैरिकेड से पानी देखो किस तरह से निकल रहा है भाई साहब, सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं यार, और वो भी ये मेन शांतिवन एरिया है, राजघाट से थोड़ा सा पीछे गीता कॉलोनी फ्लाईओवर को चढ़ने वाला रास्ता, ये रेड लाइट है। यहाँ पर पूरी टीम लगी पड़ी है, CRPF हो, आर्मी के जवान हो या फिर पुलिस वाले हो, सब लगे पड़े हैं भाई। देखो कैसे कैसे गाड़ियाँ खींच खींच के ले लेके आ रहे हैं। हमारी गाड़ी भी सडनली बंद हो गई अंदर पानी जाने की वजह से, अगर पानी नहीं जाता ना इनकेस तो फिर सही काम होना था, निकल जाते आराम से। देखो देख रहे हो कैसे बसेस चल रही हैं, देखो कितना पानी है भाई साहब, ये प्रेशर से जा रहा है पानी, बिल्कुल प्रेशर से। और ये लोग तो भाई यहीं पर ही मसूरी समझ के एंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं, सबसे खतरनाक पानी उस साइड। अब देखते हैं भाई क्या होता है, जो होता है बेहतर ही होगा। वैसे घर तो पहुँच जाऊँगा, ज़्यादा दूर तो है नहीं हमारा घर में, तो किसी को भी कॉल करके बुला लेंगे, कोई भी हाजिर हो जाएगा। तो आधे घंटे पहले मैं खुद कोशिश कर रहा था, जब नहीं हुई तो मैंने कॉल कर ली फ्रेंड को, वो अपनी गाड़ी लेके आ रहा है, मेरी गाड़ी वो ले जाएंगे, मैं उनकी गाड़ी ले जाऊँगा घर तक, जो कि अभी मजबूरी के तहत ऐसे ही करना पड़ेगा। पानी का बहाव देख रहा हूँ मैं, लगातार बढ़ता जा रहा है, बहुत तेज़ हो गया। मैं वहाँ पर जाऊँगा ना तो भाई मुझे भी पीछे फेंक देगा वो, इतनी भारी ट्रॉली जो एक इंसान नहीं उठा पाएगा यार, दो बंदे नहीं उठा पाएंगे ठीक से, वो ट्रॉली खिसक के भाई आगे चली गई, वो तो 8-10 बंदों ने पकड़ के खींची है ट्रॉली को। वो देखो भाई क्रेन कैसे वर्क कर रही है, देख रहे हो ये बेल्ट वाली क्रेन है, नीचे जो बेल्ट होती है वो पता नहीं मुझे क्या कर रही है, समझ नहीं आ रहा, मगर जो भी है बहरहाल पूरा काम पूरा प्रोसीजर जारी है। ये देखो पुलिस वाले भाई साहब कितनी मेहनत करवा रहा है, एक एक बंदे को निकलवा रहा है, ये देखो भाई एक एक की मेहनत लगातार चल रही है। और बेचारे हमारे आर्मी वालों ने भी मेरी गाड़ी में कोशिश करवाई स्टार्ट करवाने की, आपने देखा था, तो हो ही नहीं भाई, क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। ये देखो कैसे धक्के मार मार के निकाल रहे हैं गाड़ियाँ यार कसम से, मगर ये समझ में नहीं आ रहा कि ये बेल्ट वाली क्रेन क्या कर रही है, शायद वहाँ जा रही है उस साइड में, हाँ उस साइड जा रही है। ये देखो
भाई बहुत बुरी हालत हो चुकी है, लिटरली बहुत बुरी हालत। सोचा नहीं था कि ऐसा होगा सीन हमारे साथ में। सीन देखो, सीन अब देखो, सीन पानी और तेज हो गया है। सीधा यमुना से आ रहा है, यमुना से बहुत खतरनाक है। बहुत देर से खड़ा हूँ ना, आधे घंटे से यहाँ पर। और ये गाड़ियाँ जा रही है ना, गाड़ी कहाँ है तुम्हारी, गाड़ी कहाँ है उधर है क्या? मगर मैं आऊँ कैसे उधर लेके? अरे तुम तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहीं पर ही मसूरी बना दो। पानी देख रहे हो, देखो कितना तेज पानी है, देखो देखो है भाई, खतरे की घंटी है ये, देख रहा हो ना कैसा पानी लग रहा यार, कितना तेज चल रहा है भाई। ट्रोली ओए आराम से, मगर तो फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी मुशक्कत करने के बाद भाई गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई है। तो मैंने सभी दोस्तों को बुला लिया अपने, मैंने कहा भाई तुम सभी यहाँ पर आओ और मुझे यहाँ से निकालो कैसे भी करके, क्योंकि मुस्कान और बच्ची का साथ है। गाड़ी ये रही मेरे बस के पीछे ना, एकदम तो पानी का भाव ना जाए, पानी का भाव। अरे भाई ये रही, इधर आओ इधर आओ, यहाँ खड़ा हूँ मैं इधर इधर बस के पीछे एरिया। भाई ये हटा रहा है और तेज होगा पानी मेरे ख्याल से। देखो देखो देखो, सारे सारे बैरिकेड हट रहे हैं यहाँ से, ये मेरे ख्याल से वहाँ लगाएंगे आगे। देखो बहुत बुरी कंडीशन हो गई। हाँ मैं वापिस छोड़ कर आ रहा हूँ ना, गाड़ी तो आने दो। सेल से नहीं हो रही, आधा घंटा हो गया कम से कम स्टार्ट करते करते मेरे को। ये देखो वो भाई और खोल दिया, देखो पानी कितना तेज आ रहा है यार, पूरे खोल दिए, पूरे बांध खोल दिए बने हुए। तो देखो ट्रोली पे जा रहा लटक के, और भाई यही नहा रहे थे अभी ये सब यार। और देखो यार कितना तेज भाव है, हालत खराब हो गई भाई। तो अभी हम जा रहे हैं वैसे ही, चलो चलो ध्यान से लेके। अरे पैदल की जानी पैदल, वो आगे ले चलो आगे आगे भाई। ये दूसरी गाड़ी, इसके ऊपर जाएंगे अभी हम घर वापसी पुरानी दिल्ली। मतलब यार क्या सीन हो गया भाई, लिटरली देखो कितना तेज बहाव चल रहा है, बहुत तेज है, बहुत तेज। चलो चलो चलो, रेस्क्यू की टीम लगातार लगी हुई है कि अगर कोई दिक्कत हो जाए तो वो हाथों हाथ रिकवर कर ले बंदों को। चलो चलो चलो, अब यहाँ पर थोड़ा तेज है ना। अरे यहाँ पर पानी कम हो गया, अरे बहाव तो देखो यार, इधर से निकलते आ जाओ। ओ भाई साहब हालत खराब हो गई। तो अभी फाइनली इतनी देर के बाद थोड़ी राहत की सांस मिली है। मैंने अपने दोस्त की गाड़ी लेके मैं वापस पुरानी दिल्ली वाले घर पे मुस्कान को छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। फिर मैं वापस यहाँ पर आऊँगा और अपनी गाड़ी का भी देखते हैं करना क्या है, क्योंकि गाड़ी बंद है, गाड़ी का इंजन है ना पूरा ठंडा पड़ा हुआ है। तो बहुत जल्दी गाड़ी रिकवर हो जाएगी अपनी, फिर उसके बाद से स्टार्ट हो पाएगी। अभी हम अपने घर तो नहीं पहुँच सकते क्योंकि अभी हमें जमुना पार करनी है, और जमुना पार करना इतना आसान नहीं है। यानी कि जो यमुना का पानी आ रहा है ना पूरा रिवर का, वो इतना आसान नहीं है पार करना भाई, क्योंकि गाड़ियाँ हो रही हैं बंद। और अभी यही नहीं, ये गीता कॉलोनी का फ्लाईओवर क्रॉस करने के बाद फिर भी टेंशन है, क्योंकि आगे गांधीनगर है, वहाँ पर भी खतरनाक वाला पानी है जो कि सीधा यमुना में से उतर रहा है। तो काफी प्रॉब्लम हो सकता है, अभी देखते हैं क्या करना है हमें। मेरे पैर वैर घुटनों तक सारा लोअर सब गीला हो चुका भाई, इतनी हालत खराब हुई है। चलो कोई बात नहीं, ऐसा एक्सपीरियंस भी अच्छा होता है और ऐसे एडवेंचर में भी मजा आता है करने में। अब निकालते हैं फटाफट से घर की, और फिर मुझे वापस भी आना है।